हमारे साथ हॉकी टीम इंडिया के कप्तान हरमनप्रीत हैं। हरमनप्रीत, पहले तो न्यूज 18 इंडिया से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। थोड़ा शेयर कीजिए एक्सपीरियंस, क्योंकि देश के लोग जानना चाहते हैं जीतने के बाद जो खुशी है वो एक्सपीरियंस, और जाने के पहले जो आप लोग के दिमाग में था वो अनुभव बताइए। जाने से पहले यही सोच कर गए थे कि हम वहाँ पे जाएंगे और गोल्ड मेडल जीत के लेके आएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वो जो सपना हमारा नहीं पूरा हो सका। बट जो टीम की एफर्ट है, टीम की परफॉर्मेंस की बात करूँ, आई थिंक वो हमने बहुत अच्छी हॉकी खेल के दिखाई है। वन ऑफ द बेस्ट हॉकी खेली है हमने इस बार ओलंपिक में, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि एटलीस्ट हम ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आए हैं और खाली हाथ नहीं आए हैं, और बहुत ज़्यादा खुशी है। एंड सबसे पहले मैं सबका थैंक यू करना चाहूँगा कि हॉकी को जितना प्यार दिया है, और सारे देशवासियों को मैं थैंक यू बोल रहा हूँ। आपका ब्रॉन्ज भी हम लोग के लिए गोल्ड के बराबर है, हर देशवासी के लिए गोल्ड के बराबर है। रंग भले अलग हो लेकिन वो गोल्ड की तरह ही है। बैक टू बैक दो बार ब्रॉन्ज, प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया था जब आपसे बात की थी उन्होंने अभी पदक जीतने के बाद। तो ये बताइएगा कि अब एक अलग राह पे हम लोग चल पड़े हैं, बीच में जो गैप हुआ था दो बार बैक टू बैक कांस्य आपके नेतृत्व में, तो ये आने वाले वक्त में आप फ्यूचर कहाँ देखते हैं हमारी टीम का? फ्यूचर सर हमेशा आई थिंक और ज़्यादा ब्राइट रहेगा, बट उससे पहले मैं धन्यवाद करूँगा पीएम सर का, जो क्योंकि डे वन से स्पोर्ट्स को बहुत प्रेम करते हैं वो, और प्लेयरों के साथ बात करना, ओलंपिक जाने से पहले भी हम मिले थे, तो वो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। एंड जितना हमें स्पोर्ट मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बट फ्यूचर ऑफ कोर्स अगर बैक टू बैक हम जीत रहे हैं तो इट मीन्स के हॉकी अच्छा कर रही है, और हमारे जो कोचिंग स्टाफ हैं, हमारे जो प्लेयर हैं, बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि हॉकी बहुत प्यारी गेम रही है शुरू से ही, और जो हॉकी की हिस्ट्री है बहुत बड़ी रही है, तो बैक टू बैक मेडल आ रहे हैं एंड उम्मीदें बढ़ रही हैं, लोग देखना शुरू हो गए हैं, तो आई थिंक इससे बड़ी और अचीवमेंट नहीं है हमारी। तो जब गोल्ड वाला मैच हम लोग वहाँ से बाहर हो गए और ब्रॉन्ज के लिए खेल रहे थे, तब क्या मन में चल रहा था? मन में ये था कि गोल्ड नहीं गया तो ब्रॉन्ज ही एक बार ले ले दोबारा से, ताकि टीम की राह जो है वो अपने पथ पे अग्रसर रहे। आई थिंक मेडल है सर, क्योंकि जो इसको भी नहीं ले पाए हैं वो उन पे क्या बीत रही होगी वो हमें पता नहीं है, बट आई थिंक वो फील कर सकते हैं, बट आई थिंक ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी, ये भी हमारे लिए गोल्ड है। देखिए एक बार दिखाइए न्यूज 18 इंडिया पे आपको वो ब्रॉन्ज मेडल, हम न्यूज 18 इंडिया पे दिखा रहे हैं। हरमनप्रीत हमारे साथ हैं, देश का नाम ऊंचा किया, बैक टू बैक इन्होंने भारतीय टीम को दो बार ब्रॉन्ज मेडल जिताया है। हरमनप्रीत ये बताया, आपने गोल भी दागे और ये बहुत अच्छा मौका होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए टीम में, आप तो कैप्टन भी हैं, तो वो पल बताइए जब आपने गोल दागा था, उसके बारे में कुछ बताइए। बहुत स्पेशल मोमेंट थी वो मेरे लिए, क्यों पर ऑफ कोर्स क्योंकि ये टीम गेम है, जितने हमारे फॉरवर्ड्स हैं मैं उनको थैंक्स करूंगा, क्योंकि उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब ओपोनेंट्स के डी में जा रहे हैं गोल एंड शॉट, नहीं तो पीसी ले रहे हैं, तो आई थिंक एज ए टीम हमने जैसे सब कुछ अचीव किया वो मेरे लिए ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि इसमें सबका हाथ है, सबका हार्डवर्क है, और जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब भी मेरे को चांस मिल रहा था तो मेरी कोशिश थी कि मैं गोल करूँ, तो आई थिंक एज ए टीम हमने बहुत अच्छा किया इस बार। एक बार और दिखा दीजिएगा, इसको छूने का मन कर रहा है, क्योंकि ये भारत का ब्रॉन्ज है और हमारे लिए गोल्ड की तरह, और बहुत वजनदार है, और इसका वजन जो असल वजन है उससे भी भारी है, और इसने तमाम देशवासियों को गर्व में बदला है, हमारे देशवासी तमाम देश के लोगों को गर्व महसूस कराया हरमनप्रीत ने। हरमनप्रीत आपको और आपकी हॉकी टीम को न्यूज 18 इंडिया की तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच।